प्राचीन काल में मुगल साम्राज्य की सबसे बड़ी ताकतवर मलिका नूरजहां का उल्लेख मिलता है, जिसने 6 महान मुगलों और एक मुगलिया रानी ने दुनिया भर में मुगल सल्तनत का परचम लहराया था। नूरजहां जितनी खूबसूरत थी उतनी काबिल भी। 16 साल तक उसने जहांगीर के नाम पर हिंदुस्तान की गद्दी संभाली। वह पहली ऐसी मुगल रानी थी जिसके नाम से सिक्के गढ़वाए गए और शाही फरमान भी जारी हुए थे। वह जितनी निपुण शिकारी थी उतनी शातिर भी। एक मौका तो ऐसा भी आया कि उसने अकेले ही जहांगीर को मौत से बचाया था। आइए जानते हैं इतिहास के पन्नों की सबसे खूंखार और जाबाज बेगम नूरजहां के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, हम ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। नूरजहां का असली नाम मेहरुन्निसा था, जिनका जन्म अफगानिस्तान के कंधार के पास वर्ष 1577 में एक प्रसिद्ध ईरानी खानदान में हुआ था। उनका परिवार ईरान में उत्सुकता के चलते भागकर मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनने आ गया था। मात्र 17 साल की उम्र में वर्ष 1594 में एक मुगल सरकारी अधिकारी और पूर्व सैन्य अधिकारी से उसकी पहली शादी हुई, जिसके बाद वह पूर्वी भारत के एक समृद्ध प्रांत बंगाल चली गई और वहां एक लड़की को जन्म दिया। उसके शोहर का नाम अली कुली था। वो साहसी ईरानी नवयुवक था। वर्ष 1607 में जहांगीर के सैनिकों के साथ युद्ध में अली कुली को मार दिया गया, जिसके बाद नूरजहां को पकड़कर दिल्ली लाया गया और बादशाह के शाही हरम में भेज दिया गया, जहां वो बादशाह अकबर की विधवा रानी सलीमा बेगम की परिचारिका बनी। यहां उसने धीरे धीरे रानीवास में सबका दिल जीत लिया और वो इतनी खूबसूरत थी कि उसकी सुंदरता के चर्चे भी चारों तरफ फैलने लगे थे। नूरजहां को जहांगीर ने सबसे पहले नौराज त्यौहार पर देखा और देखते ही वो उस पर मोहित हो गया। जहांगीर ने मई 1611 में उससे विवाह कर लिया, जिसके बाद वो उसकी 20वीं बेगम बनी। विवाह के बाद जहांगीर ने उसे नूर महल एवं नूरजहां की उपाधि प्रदान की। नूरजहां यानी कि सारे जहां की रोशनाई। नूरजहां में दिमाग भी था और सुंदरता भी। वह बहुत प्रतिभाशाली तो थी और साथ ही रानीवास हरम में होने वाली चालों में भी माहिर होती चली गई, लिहाजा जहांगीर के करीब भी आती गई। जल्द ही वो बादशाह की शाही बेगम बना दी गई। वो ऐसी मुगल रानी भी थी जिसने जहांगीर की बेगम बनते ही अपना एक गुट बना लिया था। इस गुट में उसके बाप भाई के साथ जहांगीर के दोनों बेटे भी शामिल थे। नूरजहां के निशाने के बारे में कहा जाता है कि ये इतना अचूक होता था कि उसने वर्ष 1619 में एक ही तीर से शेर को मार गिराया था। ये वो समय भी था जब जहांगीर शराब और अफीम के नशे में धुत मशगूल था। जहांगीर का होना और न होना एक बराबर था, जिससे साम्राज्य खतरे में था। तब नूरजहां ने कमान संभाली और साम्राज्य को चलाने लगी थी। जहांगीर ने नूरजहां को सरकारी कामकाज के अधिकार भी दे दिए थे, इससे उनके परिजन भी खूब फले फूले, लेकिन मुगलों की शान भी बची रही। धीरे धीरे वो पर्दे के पीछे से मुगलिया शासन चलाने लगी और मुगल शासन ने तेजी से विकास किया। सरकारी कामकाज के प्रबंध के साथ ही नूरजहां ने अपने नाम के सिक्के भी बनवाकर जारी किए। पहली बार ऐसा हुआ जब मुगलिया सिक्कों पर किसी रानी का नाम उकेरा गया था। प्रशासनिक कामकाज, महिलाओं के मामले, घरेलू और विदेशी व्यापार और व्यापारियों के कर संग्रह की व्यवस्था पर उसकी दमदार पकड़ थी। उसके फैसलों ने आगरा को कारोबार का गढ़ बना लिया था। हालांकि नूरजहां ने खुद ही अपनी भतीजी मुमताज का निकाह शाहजहां से करवाया था, लेकिन पहले पति से पैदा अपनी बेटी की शादी जहांगीर के सबसे छोटे बेटे शहरयार से कराई। जहांगीर के साथ नूर की कोई संतान नहीं थी, लिहाजा वो शहरयार को ही राज्य के सिंहासन पर बैठाना चाहती थी, लेकिन यह नहीं हो सका। शाहजहां ने उसकी चालों को नाकाम कर दिया और यही वजह भी है कि शाहजहां से उसके संबंध कभी अच्छे नहीं बन पाए थे। मुगल साम्राज्य की सबसे ताकतवर मलिका नूरजहां होने का सफर किसी जादू से कम नहीं लगता। 31 मई 1577 को नूरजहां ने 16 साल तक जहांगीर के नाम पर हिंदुस्तान पर राज किया। वर्ष 1645 में नूरजहां का निधन हुआ। लाहौर में जहांगीर के मकबरे के करीबी शहरदरा में उसे दफनाया गया। नूरजहां ने अपने वक्त में एक असाधारण महिला की जिंदगी जी थी। आज भी नूरजहां की कहानी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान समेत कई एशियाई देशों तक फैली हुई है। आज भी बुजुर्गों से लेकर टूर गाइड तक मुगल साम्राज्य की इस मलिका की कहानी कहते नहीं थकते। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक करें और अपने सिस्टर चैनल को सब्सक्राइब करें और दबाएं इस बेल आइकन को, ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।